माई ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड माई चार्मिंग बॉयज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बाय द टाइटल आप लोगों ने पता लगा ही होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो आज मैं आपके साथ मेरा जेन्युइन स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ। आई डू इट एवरी डे एंड नाइट, तो मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और कुछ भी मैंने इसमें ऐसा इंक्लूड नहीं किया है, थोड़ा ऐसे ना हाइड्रेट करने के लिए या फिर दिखाने के लिए, अच्छा मैं ये भी लगाती हूँ, वो भी लगाती हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, मैंने वो ही आपके साथ शेयर की हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बेसिकली जो मेरा स्किन केयर है वो मेरी थोड़े एक्ने निकलते हैं और एक्ने स्टबन, जो एक्ने मार्क्स होते हैं जो कभी नहीं जाते, उनके रिगार्डिंग है। तो जिनकी भी ऑयलियर कॉम्बिनेशन स्किन है और सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपकी इंटरेस्ट है तो मेक श्योर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। मेरा जो स्किन है उसका जो क्वालिटी है और मतलब जो भी टेक्सचर है वो थोड़ा सा ऐसे डिक्रीज होने लग गया है, क्योंकि बहुत सारी हमें ऐसे मेकअप की वीडियोस बनानी पड़ती हैं और आई पर्सनली लाइक डूइंग मेकअप, तो मैं बहुत मेकअप वीडियोस भी बनाती हूँ और काफ़ी सारे मैंने ऐसे भी बनाई हैं कि मेकअप किट अंडर ₹150 और मतलब थोड़ा ऐसे कम प्राइस वाला मेकअप यूज़ करके। तो जो स्किन है उस पर कुछ ना कुछ असर तो मतलब दिखता ही है, और इतना फ्रिक्वेंटली मेकअप यूज़ करना और इतना हैवी मेकअप यूज़ करना, सो मेरे को अब बहुत ज़्यादा ये एक्ने होने लग गया है और इसके मार्क्स। और मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं लगाया क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी स्किन सांस ही ना ले पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा ख़राब होने लग गई है। सो मैं इसको थोड़ा हील करने के लिए मैं कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो जो मेरा दिन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम दीज टू फेस वॉश। अब मतलब ये है कि ये फेस वॉश सब्स्टिट्यूट है इसका, अगर ये नहीं है मेरे पास देन आई गो फॉर दिस वन। दिस इज फेंसिनॉल OS फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन विद यूनिक फॉर्म डिस्पेंसर, मतलब इसमें ऐसे पंप गिवन है। तो ये फेस वॉश सिस्टर को उनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था, क्योंकि जब उनको एक टाइम ऐसा हुआ था कि उनको पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी, तो तब ये रिकमेंड किया था। तो तब से ही हम इसे दोनों बहनें यूज़ कर रही हैं और ये बहुत ही अच्छा मतलब फेस पे काम करता है। फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन है ये, जिनकी ड्राई स्किन है वो इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी स्किन को ऐसे ड्राई रखता है। सो या ये अच्छा है और इससे थोड़ा तो फ़र्क पड़ता है स्किन पे, कि मतलब हाँ ऐसे मतलब ऑयल ही रहता है तो फिर थोड़ा एक्ने का प्रॉब्लम अपने आप ही कम हो जाता है। तो ये है, और ये शायद ₹250 का आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये आपको सिर्फ केमिस्ट की शॉप पे ही मिलेगा, ऐसे नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेगा, ग्रोसरी शॉप पे। और जो सेकेंड है वो है ये हिमालय का नीम फेस वॉश, प्रिवेंट्स पिम्पल, ये तो सब जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन सा फेस वॉश है। अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मैं हिमालय का यूज़ कर लेती हूँ। ये फेस वॉश मुझे सही लगता है और इससे मेरी स्किन पे मतलब कोई ख़राबी नहीं होती है, तो या मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो मेरा डेली नहाने के बाद मॉर्निंग में रूटीन रहता है वो है ये बोरोलिन। तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सर्दियों में मैं बिना बोरोलिन के नहीं रह सकती, कितनी भी मेरी ऑयली स्किन हो, लेकिन बोरोलिन मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सर्दियों में सारा मॉइस्चर सबका ही उड़ जाता है और मुझे इसके बिना चैन नहीं पड़ता है। और यही एक क्रीम है इकलौती जो मेरे कोई भी अगर मेरा फेस फट रहा है तो उसे हील कर पाती है, और ये आयुर्वेदिक क्रीम है और ये हर किसी को सूट करती है। अप्लाई एवरी नाइट ऑन ड्राई स्किन लिखा हुआ है, वैसे इस पर लिप्स, फेस, हैंड्स, एल्बोज, फीट, नाइट रिपेयर क्रीम कहते हैं इसे, रात में, सुबह, जब भी आप लगा सकते हैं। तो मैं इसे दोनों टाइम लगाती हूँ, अगर मेरा फेस फट रहा होता है तो मैं इसको रात को भी लगा के सोती हूँ, और इस सच में लाइक 110% ये आपका फटा हुआ फेस, होट सब हील कर देती है, और ये बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद चीज़ है, आई कैन से दैट। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इतना बड़ा ये डब्बा सिर्फ ₹75 का आता है, MRP है शायद ये 65 तक का आ जाएगा। तब ये है एक मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है वैसे फेस पे, पर ये बहुत अच्छा है और मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। इस चीज़ है वो है दिस सीटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये थोड़ा महंगा है ठीक है, इसमें भी फॉर ड्राई स्किन लिखा हुआ है, लेकिन सर्दियों में मेरा मुँह बहुत फटता है, तो मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए जो
मेरे फेस को अच्छे से रिकवर कर सके, भले ही मेरा ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है। और इसकी तो क्या ही कहने, ये शायद 450 तक का आता है। और ये मैंने यूट्यूब पे एक डॉक्टर को देखा था, डॉक्टर विजय लक्ष्मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उन्हें सर्च भी कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी यूट्यूबर हैं वो, मतलब डॉक्टर तो हैं ही बहुत बड़ी, उनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिलियंस में हैं। और उन्होंने ये रिकमेंड किया था फॉर सेंसिटिव स्किन, बेसिकली मेरा ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है लेकिन मैं सारे सेंसिटिव स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मॉइस्चराइजिंग इसमें क्वालिटीज़ हैं, इसे गर्मी में भी लगा सकते हैं वैसे देखा जाए तो। और इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स भी आते हैं, आपका जो स्किन टाइप है आप वो लगा सकते हैं। ये जीरो फ्रेग्रेंस के साथ आता है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब वो अगर आप डॉक्टर का वीडियो देखोगे ना तो यू विल गेट टू नो कि ये कितना अच्छा है, और ये सच में बहुत अच्छा है, और इसलिए मैंने इसे मंगा रखा है। ये अलग बात है कि मैंने इसे बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि मेरे लिए जो बोरोलिन करती है वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती है। सो या आप इसे डेफिनेटली मंगा सकते हैं, मैंने ये नायका से मंगाया था तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो लेट मी टेल यू दिस, मुझे ये बहुत टाइम से कहना था कि मतलब कोई भी यूट्यूबर आपसे ये शायद ही बोले, मैंने तो नहीं देखा है। भले ही हम 150 किट अंडर 150 अंडर 100 और ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन आपको मतलब अगर आप कभी कभी यूज़ कर रहे हो देन इट इज़ ओके, कोई दिक्कत ही नहीं उन प्रोडक्ट्स में। और सच में जो हम रिव्यू देते हैं वो वैसा ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम झूठा रिव्यू देते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है मेकअप देन यू शुड एंड यू मस्ट बाय सम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और गुड क्वालिटी है मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो उनका थोड़ा प्राइस भी हाई ही होगा। तो या मतलब वीडियोज़ हमको ऐसे बनाने पड़ते हैं, हम बनाते हैं क्योंकि हर तरीके की ऑडियंस होती है। लेकिन अगर आपको फ्रिक्वेंटली मेकअप यूज़ करना है तो यू मस्ट यूज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तभी आपकी स्किन अच्छे से रह पाएगी। और अच्छे से मेकअप को लगाने के बाद उसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो या कभी भी मेकअप लगा के नहीं सोना चाहिए, मैंने गलतियाँ बहुत की हैं इसलिए मेरी स्किन की अभी ये हालत हुई पड़ी है। और मैंने कैसे अपनी स्किन को हील किया है वो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के मैंने क्या क्या किया है, और उसने जेन्युइनली मेरी स्किन पर बहुत ही फ़र्क डाला है, तो आप वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे स्किन केयर में है जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, और जब से मैं सनस्क्रीन लगाने लगी हूँ ना मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा हद तक सही रहने लग गया है, और यस मैं यही बोल सकती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ ये बायोटिक की बायो सैंडलवुड एडवांस्ड आयुर्वेदा सनस्क्रीन 50+ SPF UVA UVB सनस्क्रीन है, अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स, वेरी वाटर रेजिस्टेंट। यस ये 100% आयुर्वेदिक है, सैंडलवुड है ये, इसलिए इसका थोड़ा फ्रेग्रेंस तीखा है, बट आई लव दिस प्रोडक्ट। और ये मैं आपको पहले भी मेरी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, बट या सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन लगा सकते हैं। इसका जो प्राइस आई थी वो 250 rupees है, और आपको उतने में ही ये मिल जाएगी। तो फेस वॉश करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करो, सनस्क्रीन लगाओ, वो आपकी मर्जी है, पहले सनस्क्रीन लगाओ बाद में मॉइस्चराइज करो, या बाद में सनस्क्रीन लगाओ पहले मॉइस्चराइज करो, आई थिंक आई मेकिंग सेंस। एनीवेज तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं लगाती हूँ ये दोनों चीज़ लगाने के बाद भी, वो है दीज टू ट्यूब्स। अब मैं इन्हें इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी स्किन पे बहुत फ़र्क दिखाया है, एंड दीज आर फॉर पिंपल एंड स्टबर्न एक्ने मार्क्स, ठीक है। जो काले काले धब्बे होते हैं ना जो आपको दिख रहे हैं, जो जाते नहीं हैं, मेकअप से भी नहीं छुपते हैं, ये इनको छुपाने मतलब छुपाना क्या ख़त्म करने का काम करती हैं। तो पहली है ये, मतलब बहुत ही कॉमन है, ये आपको हर किसी केमिस्ट्री शॉप पे मिल जाएंगी, तो और ऐसा भी नहीं है कि ये आपको कुछ नुकसान करेंगी। तो दिस इज़ क्लिंडामाइसिन एंड एडापिलिन जेल मेला केयर एक्ने, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लिंडामाइसिन जेल है, तो मेरे को ये क्रीम सिर्फ मैं एक्ने पे लगाती हूँ, और वो होता है ना कुछ पस वाला एक्ने होता है तो ये उसको सुखा देती है, फिर वो अपने आप निकल जाता है, हट जाता है। और अगर अपन खुद फोड़ते हैं ना तो फिर ऐसे काले काले धब्बे रह जाते हैं, तो खुद तो कभी नहीं छेड़ना चाहिए। मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी यही बोला कि छेड़ते हो गए तभी ये धब्बे बच हो रहे हैं आपकी स्किन पर, मैंने बोला नहीं मैं नहीं छेड़ती हूँ। खैर थोड़ा सा झूठ था, हमेशा अपने ऐसे ना हाथ जला ही जाता है जब कुछ हो रहा होता है फेस पे, बट या पर इसके साथ एक प्रॉब्लम मुझे लगी, मुझे पता नहीं आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करेगी, बट मेरी सेंसिटिव स्किन है, मुझे इसके साथ एक दिक्कत ये लगी कि ये आप इसको जहाँ लगाओगे ना वहाँ से आपकी स्किन ड्राई कर देगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सुखाती है तो ये वहाँ से आपकी स्किन ड्राई कर देती है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में से लगाना स्टार्ट किया था तो मैं इसको पूरे पे लगा लेती थी, लाइक पूरे फेस पे, कि जैसे यहाँ पे हो रहा है तो पूरी जगह पे यूँ लगा लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्ने पे लगाया, तो मेरा ना वहाँ से पूरा स्किन ऐसे फट सा गया था। तो फिर मुझे बोरोलिन ने ही हील किया 2-3 दिन में जाके, तो वो आप देख लेना। इसको आई थिंक क्लिंडामाइसिन को सिर्फ एक्ने पे ही लगाना चाहिए, वहीं पे हल्का सा ऐसे रब करना चाहिए स्लो मोशन में,
नेक्स्ट जो क्रीम है वो है ये सिप्ला की, इसमें लिखा हुआ है नेडी फ्लॉक्सासिन क्रीम, ये 10 ग्राम है, ठीक है, नेडी बैक्ट क्रीम लिखा हुआ है इस पर, मैं इसका लिंक डाल दूँ। ये क्रीम मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी है अभी, और इसका तो मतलब मुकाबला ही नहीं है। ये तो कितना भी गंदी वाली फुंसी हो, पसवस वाली, और ये मेरे जो एक्ने मार्क्स है ना यही कम कर रही है, और ये क्रीम बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है, एकदम ऐसे चिकना रखती है वहाँ से, और स्टिल ये आपकी फुंसियों को एकदम सुखा देती है, तो अगर उनमें कोई भी पस होता है ना वो अपने आप ही निकल जाता है सूख के, कुछ भी फोड़ने वोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा पेशेंस चाहिए, 2-3 दिन ये लगाती है हील करने में, बट इट्स वेरी नाइस। ये दो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो सिर्फ स्किन केयर के लिए नहीं है, उसे अपन ग्रूमिंग के लिए भी बोल सकते हैं, बट या तो एक प्रोडक्ट सिर्फ ग्रूमिंग के लिए है। तो ये मैंने अभी नायका से ऑर्डर किया था, दीज आर जेजू ऑर्गेनिक लावा फ्रेशनोज स्ट्रिप्स, ठीक है, एंड दीज आर फ्रॉम द कंपनी द फेस शॉप, जहाँ को 7 स्ट्रिप्स मिलती हैं। तो ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स निकालने के लिए होती हैं, क्योंकि अगर आप रख के बैठे रहोगे ना अपने नाक पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, तो वहाँ पे भी फुंसियाँ हो जाती हैं, क्योंकि गंदगी तो होती है, वो तो फिर वो बैक्टीरिया वगैरह से वो पनप जाता है फुंसी, तो ये इसके लिए सही है। और ये ऐसे आती हैं, मैंने अभी इन्हें ओपन नहीं किया है, इसके अंदर से स्ट्रिप निकलती है, जिससे आपको चिपकाना होता है, इसमें सारा लिखा हुआ है कैसे यूज़ करना है, 10-15 मिनट रखना होता है, उसके बाद उसे हटा देना होता है, तो ये आपके सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं सब करके निकाल देती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है। नेक्स्ट अप जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है दिस फेस मास्क और शीट मास्क। यस, दिस इज शीट मास्क, सीरम शीट मास्क है ये एवोकाडो वाला है, और ये भी फ्रॉम द फेस शॉप ही ब्रांड का है, ये 100 रुपीज़ का एक आता है। और इतना मेकअप यूज़ करके और मतलब इतना स्किन को डैमेज करने के बाद वो सांस ना ले पाए, उसमें मॉइस्चर नहीं है क्योंकि सर्दियाँ इतनी हैं, तो कुछ तो चाहिए जो अपनी स्किन को हील कर सके और उसका मॉइस्चर लौटा सके और ठंडक पहुँचा सके। तो आई ऑलवेज whenever I do मतलब हैवी मेकअप, उसके बाद मैं ये शीट मास्क लगाती हूँ मेकअप हटाने के बाद, ताकि मेरी स्किन हील हो जाए। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं है और मैं मेकअप करूँगी तो फटाफटा लगेगा, तो मैं उससे पहले भी इसे अप्लाई कर लेती हूँ। ये हील करने में, अपने फेस को रिकवर करने में बहुत मदद करती है, स्पेशली विंटर्स, गर्मियों में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाती है, और या ताकि ये सब दिक्कतें ना हो जो अभी हो रखी हैं, और जो दर्द होता है फुंसियों में, ओह माय गॉड, अनबियरेबल दर्द होता है मुझे फुंसियों में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग मेरी आज तक की लाइफ में, कोई प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी सिर्फ मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि हम बहनें चारों यूज़ कर रही हैं उसे, ये सिर्फ मैं यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ दिस VX सीरम सिप्ला की विटामिन सी ई फेरुलिक एसिड सीरम, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स फॉर एजिंग स्किन, क्या रहता है ऐसे लिखा हुआ है, बट जो मैंने डॉक्टर का भी आपको बताया था, डॉक्टर विजयलक्ष्मी जिनको मैंने देखा था, उन्होंने बताया था ये एक्ने मार्क्स नहीं जाते हैं तो ये सीरम लगाना चाहिए। और वैसे भी हर यूट्यूबर को आप देखते होंगे विटामिन ई और विटामिन सी की चीज़ें यूज़ करते हो, क्योंकि सबको पता है कि कितना अच्छा है वो स्किन के लिए, और इसमें फेरुलिक एसिड भी है, तो फिर वो झुर्रियाँ और झाइयाँ वो सब भी नहीं होती है। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, 10-15 दिन या, और इसने डेफिनेटली कुछ तो फ़र्क दिखाया है। मैं अब मेरी इतनी फुंसियाँ हो जाती है ना फेस पे कि मैं मेरे दोस्तों से ही पूछती रहती हूँ कि थोड़ा कम हुआ क्या ये दिखना मास्क वगैरह, तो वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा कम हो रहा है तो वो इसी से हो रहा है आई गेस, क्योंकि तब तक तो मैंने कोई ट्रीटमेंट भी लेना शुरू नहीं किया था। तो बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी क्योंकि सिर्फ उसी पे ऑफर था, नायका पे तो ये है भी नहीं, और ये 1500 की मुझे पड़ी थी, और इसका जो शायद ओरिजिनल MRP है वो 2019 कुछ है, मतलब, और ये सिर्फ 10 ml है, सिर्फ 10 ml। तो हाँ, शायद कई लोगों के लिए आउट ऑफ बजट है और वो इसे नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन और भी कुछ अच्छे सीरम्स हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो कि थोड़ा इससे क्वालिटी में कम है, लेकिन उस डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया था, और जो मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसको मैंने बताया था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं मेकअप फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ और ऐसे ऐसे दिक्कत है, और फिर मैंने उनको बताया था कि पर मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ रात में, ये सिर्फ रात में ही लगाते हैं सीरम, तो उन्होंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सीरम आप यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा ही है स्किन के लिए। तो उन्होंने मुझे टोका नहीं, क्योंकि उनकी भी दवाइयाँ ले रही हूँ, उनकी दवाई लगाती भी हूँ, बट स्टिल ये सीरम लगाती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। बट हाँ, ज़्यादा फेस अगर जैसे फट रहा है और ऐसे ना, तो इसे थोड़ी जलन हो जाती है, ये है, क्योंकि ये प्योर मतलब फॉर्म है विटामिन सी ई और फेरुलिक एसिड की, तो यस। पर हाँ, ये मुझे अच्छे से
मदद कर रही है मेरे ये एक्ने मार्क्स को कम करने में, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्वाइट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मुझे भी बहुत महंगी लगती है। हाँ 1500 मैं 10 ml के लिए कभी ना दूँ, पर अभी शक्ल इस एज में मेरी शक्ल अगर ख़राब हो जाएगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये ख़रीदा। और इसको हमेशा आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखना है। इस पे इसकी गाइडलाइंस कह लो, इसमें इसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे इसे यूज़ करना है। और विटामिन सी, ई और ये फेरुलिक एसिड ना आपकी स्किन को सनलाइट सेंसिटिव बनाता है, तो आप इसको सिर्फ रात में ही मुंह धोने के बाद, मतलब फेस वॉश से मुंह धोने के बाद आपको डायरेक्टली ये सीरम अप्लाई करना है अपने फेस पे, उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करें अगर आपको इच्छा लगती है तो, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में एक सीरम है तो इसे मॉइस्चराइज हो जाता है फेस। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। यही था मेरा जेन्युइन स्किन केयर, 110% जेन्युइन स्किन केयर, जो कि मैं आजकल डेली फॉलो कर रही हूँ इन माय डे टू डे लाइफ, और होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। और यस, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से प्रोडक्ट्स हैं, इजीली आप तो उन्हें ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड सरंगे, बाय।